Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जनपद से आ रही है। शासकीय सूत मिल को गलत तरीके से बेचने के मामले में विधायक पहुंचे कलेक्टर, खरगोन जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खरगोन जिले में सनावद शासकीय सूत मिल को दिए गए लोन का दुरुपयोग होने के बाद महकमे सहित सहकारी संस्था द्वारा सूत मिल को बेचने का मामला इन दिनों तूल पकड़ते दिख रहा है। बात का पता तब चला जब स्थानीय विधायक मामले को लेकर सड़क पर उतरे और जिला प्रशासन को इस बात से अवगत कराया। जी हम बात कर रहे हैं जिले के सनावद की, वहाँ जहाँ शासकीय अवंती सूत मिल को गलत तरीके से बेचने का मामला संज्ञान में आया। इसी बात पर मजदूर हितों में शासकीय संपत्ति की सुरक्षा के नाम पर विधायक सचिन बिरला ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान विधायक ने बताया कि अवंती सूत मिल प्रबंधन ने जिला सहकारी बैंक से सांठगांठ करके पैसों का दोहन किया है, जिसकी FIR थाने पर दर्ज है। ऐसे में सूत मिल को बेचने की यह प्रक्रिया नियम के विरुद्ध है, जिस पर पाबंदी लगाकर उचित कार्रवाई की जाए। बहरहाल शासकीय संपत्ति सुरक्षा के लिए विधायक की सराहनीय पहल क्या रंग लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खरगोन से हमारे सहयोगी प्रभु प्रेम कुमार दुगाया की रिपोर्ट। धन्यवाद। जो पैसा वर्कर सोसाइटी के जो प्रबंधक है, जो वहाँ के अध्यक्ष है, उनसे वसूलना चाहिए, तो वो पैसा शासन की संपत्ति बेचकर वसूल रहे हैं, ये बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, नियम विरुद्ध है। पहले भी कार्रवाई करके हमने उसको रुकवाया था, आज वही रुकवाने के लिए फिर हमें पड़ा है। नहीं रोका गया तो क्या करेंगे, अगला कदम क्या रहेगा? बिल्कुल विधानसभा में भी प्रश्न लगाएंगे और लगातार इसको आगे बढ़ाते हुए उसको रोकने की प्रक्रिया में अनशन करेंगे। ये करेंगे पूरे सब लोगों के साथ मिलकर, हम सब मजदूर साथ में।